श्रीकाल सर। जैमर बंद करा दो। अगे आ जाओ, थोड़ा अगे आ जाओ, अगे कॉर्डलेस मैक नहीं चलना ना। देखो बोले हेलो वायर बड़ा दे देना भाई। हेलो 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 सत श्रीकाल सर जी आया नू जी। मैं योगिता बीए भाग एक दी विद्यार्थिन हाँ सर। सब तो पहला तो रियली थैंक यू कि तुसी सानू अवेयर किया कि साड़ी फीमेल पॉलिटिशियंस भी कितना वधिया कर रही हैं। सर साडे विचों बहुत स्टूडेंट्स ने जो पॉलिटिक्स विच अगे आना चाहते हैं, तो मैं चाहवांगी कि जे तुसी सानू कुछ सजेशन दे सको भी असी अपना स्टार्टिंग पॉइंट पॉलिटिक्स च किदां रख सकते हैं ताकि असी भी अपने देश की वेलफेयर लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल है। कोई पॉलिटिक्स वास्ते ज्वाइन करने वास्ते कोई बहुता लम्मा चौड़ा प्रोसैस नहीं है। तुसी नाल नाल अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हो, नाल नाल जे कोई जिहड़ी भी पार्टी तुहानू चंगी लगती है जां एनजीओ कोई चंगी लगती है, कोई सोशल वर्क करती है, उहनू ज्वाइन कर लो। तुसी जदों सैटरडे संडे या जदों उहनां दा कोई फंक्शन हुंदा है उत्थे जाओ, तुहानू बोलण दा मौका मिलेगा, लोकां नाल विचरन दा मौका मिलेगा, लोगों दी समस्यावां नूं तुसी जिहड़े आ उह नेड़े होके देख लोगे। दैन फिर तुसी तुहाडा हौली हौली रैजमे बनता जाऊगा, तो फिर तुसी किसे एक्टिव पॉलिटिक चाहना है जां पिछे रह के काम करना है, संगठन च काम करना है, तो कोई भी अज दी डेट च हर एक पार्टी चाहती है कि यूथ साढ़े नाल होवे। सो ये बेनीफिट भी है कि अजकल जो यूथ है वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, 65% अपनी पापूलेशन जी 18 to 35 साल है। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स। और जो तुसी पर्दे के पिछे रह के काम करना चाहते हो, डिपेंड्स के तुसी कितना टाइम कटना चाहते हो, पर ये वास्ते ये नहीं है कि तुसी 24 घंटे ये काम करना है। अपनी पढ़ाई भी नाल जारी रख सकते हो, तो नाल नाल तुसी सोशल सर्विस के विच राही पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, वेलकम। बच्चे अपनी सीट तो हाथ खड़े कर सकते हो। सत श्रीकाल सर जी आया नू। सर थैंक यू सो मच, तुसी साडे लई सब तो पहला तो वॉल्वो एयरपोर्ट सर्विस ते जिहड़ी बस चलाई है ओहदे लई, ते सर साडी मंग है चलावांगे जी। हाँ जी एयरपोर्ट वाली, हाँ जी एयरपोर्ट वाली सर जिहड़ी तुसी चलाई है। ते सर आ जिहड़ी हुण तुसी मंग कीती है सानू शटल बस शटल सर्विस ही चाहीदी सी, ते तुसी और लैके आओगे, तुहाडा दिलों धन्नवाद सर। साडे लई इह बहुत वड्डी मंग सीगी ते तुसी पूरी कीती, बहुत बहुत धन्नवाद। जल्दी हो जल्दी, थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगला सवाल, बच्चे हाथ खड़े करो अपनी सीट ते, माइक तुहाडे कोल पहुंचेगा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम खुशी है ते मैं बीए पाक तीजा दी विद्यार्थन हाँ। सर साडे समाज विच कई प्रॉब्लम्स ने जिवें कि डोमेस्टिक वायलेंस ते छेड़छाड़, ते इन्हां समस्यावां करके कुड़ियां नूं पुलिस स्टेशन जाना पैंदा है। सर मेरी आप जी तो यही बेनती है कि कुछ अजिहे पिंक पुलिस स्टेशन बनाए जाण जिथे सारा स्टाफ महिला कर्मचारियों का होवे। हैगे हाँ, तुहाडा सवाल बहुत अच्छा है, इहदा मतलब तुसीं बहुत अपडेटड हो। ते मैं तुहानूं इह दसना चाहुंदा कि इस वक्त पंजाब दे विच असी 6 पुलिस स्टेशन इदां दे बनाए हुए ने जिहड़े सिर्फ जो सारा स्टाफ उत्थे महिला है। संगरूर दे विच है, सब तो पहला संगरूर च सीगा,
SHO जी है लड़की है सब इंस्पैक्टर हो सारा स्टाफ और उत्थे शिकायत भी सिर्फ लेडीज ही कर जा सकती ने क्योंकि बहुत सारिया साढ़े समाज के सोशल स्टिगमा रहा है कि तुम खुल के गल नहीं दस सकती खुल के शिकायत नहीं कर सकती उत्थे जाके तो इस तरह का कोई फील नहीं होगा। असी छे कर ले पर हर जिले के असी हूँ 23 जिले ने पहला 23 हर एक जिला कवर करा दैन फिर आफ्टर हौली हौली असी सब तहसीलों या तहसीलों कवर करते जावे तो किसी किस्म की और मैं तुम्हें तो पहले ही दसिया कि पहली बार होया कि 5 SSP जेडे वो कुड़िया ने सो जे इतने कुछ तुम्हें कोई दिक्कत आती है कि भी तो जे SSP नहीं तो कोई ना कोई DSP या SP कोई ना कोई लेडीज़ नू रिप्रजेंट करते हैं तो तुम उत्थे भी जा सकते हो। सारों असी मीटिंग लेंदे रहने महीने च सारे तो पुछते रहने कि जिथे तुम कंफर्टेबल फील करते हो पहली गल तो मैं परमात्मा अगर दुआ करना यह जहाँ मौका मिले ही ना पर जे कोई इस तरह की तुम्हें कोई दिक्कत का सामना करना पैदा तो तुम इंसाफ मिले इस गल असी वचनबद्ध। थैंक यू जी धन्यवाद सर। होर कोई स्टूडेंट अपनी सीट तो ही हाथ खड़े करो। जैन सर जी जैन सर जैन मेरा नाम दीक्षा है मैं BA भाग दूजा की छात्रा हूँ। सर मैं अपने कॉलेज की पिछले 2 साल से बेस्ट एथलीट रह रही हूँ। अच्छा। सर पहला तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे पोलो ग्राउंड के जिम्नास्टिक हॉल को 80 लाख रुपए का फंड दिया। सर मैं एक NCC कैडेट भी हूँ और एक एथलीट भी हूँ। सर मैं पोलो ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए जाती हूँ और साथ की मेरी लड़कियाँ भी जाती हैं। सर वहाँ पर एक सिंथेटिक ट्रैक की जरूरत है, अगर आप हमें एक सिंथेटिक ट्रैक बनवा कर दे दे तो हम आपको नेशनल इंटरनेशनल तक खेल कर दिखाएंगे और अपनी स्टेट का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं कोई भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए। आपके लिए माहौल देना और आपके खुराक और साथ में इक्विपमेंट्स जिस जो भी स्पोर्ट्स आप करते हो उसके लिए हम कभी कमी नहीं छोड़ेंगे। रिसेंटली हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, उसमें हमने अभी परसों ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जिन स्टूडेंट्स ने जिन खिलाड़ियों ने नेशनल गेम जो गुजरात में हुई थी गोल्ड जीता उनको 5 लाख, जिन्होंने सिल्वर जीता 3 लाख, ब्रॉन्ज को 2 लाख ऑलरेडी पे कर दिया और उनके लिए जो नेशनल विनर है आगे इंटरनेशनल की तैयारी के लिए कोई कमी ना आए पैसे की। फर्स्ट टाइम हुआ है 16,000 पर मंथ का उनको वजीफा मिलेगा ताकि वो अपनी तैयारी कर सके, सिर्फ तैयारी। आगे मेडल आता है तो उसके बाद 50 लाख है मेडल इंटरनेशनल लेवल में, इवन कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, ओलंपिक्स में अगर आप चुने जाते हो। सिर्फ पार्टिसिपेशन का ही हमने 10 लाख रखा हुआ है कि आपने हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट किया। आगे जीतना ना जीतना तो वहाँ क्या माहौल मिलता है वहाँ पे डिपेंड करता है। तो आप सिंथेटिक ट्रैक की बात आपने की है, बिल्कुल बनेगा और जो आपने वादा किया वो भी निभाना कि इंटरनेशनल लेवल तक पोडियम फिनिश करना है। थैंक यू सर। डॉक्टर नेहा नु मेरी बेनती है, उधर वंदना एक स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर रही सी। सत श्री अकाल सर, मेरा नाम वंदना है ते मैं BA पाक तीजे दी विद्यार्थन हूँ। सर अजकल दे दौर दे विच विमेन दी सेफ्टी लई सेल्फ डिफेंस सर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ते सर मैं थानू बेनती करांगी कि कॉलेज लेवल ते भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सर स्टार्ट कराई जावे सर, ताकि असी विद्यार्थना अपनी सुरक्षा सर आप कर सके ते अपनी सेफ्टी लई किसी होर ते डिपेंड ना रहिए। बिल्कुल, इहदे विच की ये हो सकता है मैडम जे आप सिलेबस के मार्शल आर्ट या जो भी ये तुसी प्रेजेंटेशन बना लो यूनिवर्सिटी BC साहब कर देना तो फिर कॉलेज नूं आपां कर दिंदे आ टाई अप ताकि
इट शुड बी द पार्ट ऑफ द सिलेबस है ना. सो सैल्फ डिफेंस तो खास तौर पर चाहिए है. तो बाकी कॉन्फिडेंस ली थैंक यू सर. जिन्ना थोड़े कॉन्फिडेंस है मैं लगता नहीं तुम्हें सैल्फ डिफेंस की लोड़ पी पर कॉन्फिडेंस मस्ट है. सो इस करके अपना बुरा भला सोचना थोड़ा अपना है. पर कोई इस तरह की थोड़े ते ऑकवर्ड पोजिशन ना आवे ये असी एफर्ट्स करांगे. तो जो सजेशन है वो अकैडमिक लैवल तक मैं बीसी साहब तक पहुँचा दिता है. तो आने वाले दिन थोड़ी सलाह ना ही जो क्योंकि जिथे प्रॉब्लम होंगी उत्थे सोल्यूशन भी होंगे. तुम आप दस सकते हो कि ये ना हो सकता ज आप इंटरनेशनल अजक सब कुछ जोड़ा वो गूगल से यूट्यूब पे है. आप लेटेस्ट जो तरीके ने अस तो अपने प्रिंसीपल्स न डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के भेज रहे हैं टीचिंग के नवे तरीके सीखने लिए. सो जो कोई नवा कोर्स शुरू करने लिए तो इच्छा है तो इट विल बी डन. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत शुक्रिया सर.